हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशि और आप देख रहे बॉम्बे इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि 10 दिसंबर का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सो आपको क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल सके। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन करने वाले हैं। तो सिंपल है, अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा निफ्टी है वो 11,900 से लेके 11,950 के बीच में कहीं क्लोज हुआ, तो हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा वाय बिल्डअप मेरे को 12,000 पे दिख रहा है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा वाय बिल्डअप 11,900 पे दिख रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए। बाद में हम क्या है कि निफ्टी का एक मूव जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है कल के लिए। तो अगर मैं कॉल साइड देखूं, वहां मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा निफ्टी है वो जाएगा अप, लेकिन कॉल साइड हमें कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम पुट साइड आ जाते, पुट साइड अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा निफ्टी है वो डाउन साइड जाएगा, लेकिन पुट साइड हमें कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। बाद में हम कॉल साइड आ जाते तो कॉल साइड अगर मेरे को शॉर्ट पोजीशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा निफ्टी है वो डाउन साइड रह सकता है। तो कॉल साइड हमें शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब जो हमारा निफ्टी है वो कल डाउन साइड रह सकता है इस पॉइंट से। बाद में पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि निफ्टी जाएगा अप, तो पुट साइड भी मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब यह होगा कि निफ्टी अप जाने के भी चांसेस है। तो इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे, चार पॉइंट में से दो पॉइंट कुछ नहीं मिले, एक पॉइंट डाउन साइड का मिला, एक पॉइंट अप साइड का मिला। तो इन सिंपल कल निफ्टी अनडिसीजनल रह सकता है, मतलब दोनों तरफ मूव दे सकता है ऑप्शन चेन एनालिसिस से। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा बैंक निफ्टी है 31,300 से लेकर 31,400 के बीच में कहीं क्लोज हुआ है, तो इसमें भी सेम रहेगा, कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉल साइड में देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा वाय बिल्डअप मेरे को 9,00,000 जितनी क्या है कि 32,000 पे दिख रही है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखूं तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा वाय बिल्डअप ज्यादा दिख रही है, वो 31,000 पे दिख रही है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए। बाद में हम बैंक निफ्टी का मूव जाने की कोशिश करें तो अगर मैं कॉल साइड देखूं, वहां मेरे को लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जाएगा अप, लेकिन वहां मेरे को कोई लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ, पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बैंक निफ्टी जाएगा डाउन, लेकिन पुट साइड हमें कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो हमारा बैंक निफ्टी है वो डाउन साइड रह सकता है, तो हमें कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो मतलब इस पॉइंट से जो हमारा बैंक निफ्टी है वो डाउन साइड रह सकता है। बाद में फिर से हम पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो अप साइड जा सकता है, तो पुट साइड भी मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे, चार पॉइंट में दो पॉइंट कुछ नहीं मिला, एक पॉइंट डाउन साइड का मिला, एक पॉइंट अप साइड का मिला। तो इन सिंपल ये भी क्या है कि निफ्टी की तरह कल अनडिसीजनल मूव दे सकता है, मतलब दोनों तरह के मूव दे सकता है, ऐसा ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें पता लगता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या है कि कल ट्रेड लेने में आसानी हो। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाद में कल का देखेंगे। तो आज क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल रेड बना दी, बाद में जो ये हमारी सपोर्ट लाइन थी वहां से थोड़ा ऊपर होके इसने सपोर्ट लिया, और बाद में एक अच्छा सा आपको अपट्रेंड देखने को मिला है, बाद में सेकंड हाफ में ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड में देखने को मिला है। तो ये था आज का। अब कल क्या हो सकता है वो देख लेते, तो मान लेते कल अगर निफ्टी ओपन होता है जैसे वहां क्लोज हुआ वहीं पे ओपन होता है, तो अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो हमारी सपोर्ट लाइन जो थी वही रहेगी,
जो 11,880 की सपोर्ट लाइन थी वही सपोर्ट लाइन रहेगी। अगर उस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब हम उसमें बाय साइड आ सकते हैं। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन होगी वो 11,800 होगी। अगर इस पे भी कोई सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का सिग्नल देता है तब भी हम इसमें बाय साइड आ सकते हैं। बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें, मान लेते कि ये ओपन होके ऊपर जाता है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 11,980 का होगा। अगर ये 11,980 पे भी कोई भी रिवर्सल आपको दिखाने को मिलता है तब हम इसमें सेल में आ सकते हो। अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो 12,020 का रहेगा। अगर उस पे भी कोई रिवर्सल साइन देके ये नीचे आने की कोशिश करता है तब आप इसमें सेल में आ सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको ये क्या है कि हमारी जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है उस पे भी क्या है कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का कोई साइन देता है, जो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है उसके बाद कर उस पे भी कोई साइन देता है तब भी आप सेल में आ सकते हो। तो ये था हमारी ओर से निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो मेन सपोर्ट है वो कौन से होंगे, जो 11,880 का लेवल है वो हमारा मेन सपोर्ट होगा। अगर उसके नीचे की बात करें तो 11,800 रहेगा। हमारे रेजिस्टेंस कौन से होंगे, जो 11,980 का लेवल है वो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर देखें तो 12,020 का लेवल है वो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। अगर इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिले या कोई ऐसी चार्ट पैटर्न मिले जहां से आपको ऐसा लगे कि नहीं इधर से सेल हो सकता है इधर से बाय हो सकता है तो आप वहां बाय या सेल कर सकते हो। तो ये था हमारी ओर से निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं बाद में कल का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आज क्या हो, मार्केट ओपन होके बैंक निफ्टी में जो है हमारी पहली सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। दूसरी सपोर्ट लाइन के बीच में ही थोड़ा पहली और दूसरी सपोर्ट लाइन के बीच में ही रिवर्सल देके ऊपर जाने लगा। बाद में क्या किया इसने, थोड़ा ऊपर जाके रिवर्स करके हमारी जो सपोर्ट लाइन थी पहली सपोर्ट लाइन उस पे क्या है कि पुल बैक जैसा आप बोल सकते हो कि उस पे फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का साइन दिया। तो इधर से आपकी बाय एंट्री हुई थी, वैसे देखो तो इसमें आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिला है, तो इधर से आप बाय कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा सा थोड़ा अप मूव देखने को मिला है, बाद में सेकंड हाफ में नीचे आ गया। तो ये था आपका आज का परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। मान लेते अगर बैंक निफ्टी कल नीचे का मूव देता है तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा तो पहला सपोर्ट होगा 31,250 के आसपास। अगर ये इधर भी फिर से रिवर्सल दिखा के अपसाइड जाने का साइन देता है तब हम इसमें बाय साइड आ सकते हैं। बाद में अगर ये इसके नीचे चला गया तो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 31,060 का लेवल होगा। अगर ये इस लाइन के आसपास पे भी आपको क्या है कि अप जाने का कोई मूवमेंट देता है या साइन देता है, कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आप इधर से भी अपसाइड आ सकते हो। बाद में इसके नीचे चला गया तो जो हमारी थी मेन राइजिंग सपोर्ट लाइन, अगर ये इस पे भी कोई ऐसा अप मूव दिखाने की कोशिश करता है ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे, मैं थोड़ा ऊपर करके आपको बता, ये राइजिंग सपोर्ट लाइन पे, तो आप इसमें भी बाय कर सकते हो। तो ये थी हमारी बाइंग साइड। अगर हम सेलिंग साइड देखें तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 31,450 के आसपास होगा, जो ये रेड कलर की लाइन है वो। मान लेते कल बैंक निफ्टी आपको मॉर्निंग में एक अप ट्रेंड में मूव देता है, बाद में अगर ये इस लाइन के आसपास से नीचे जाने का साइन देता है तब आप इसमें सेल में आ सकते हो। बाद में इसके ऊपर की बात करें तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 31,570 के आसपास होगा। अगर ये आपको सेकंड लाइन जो ये ब्लैक लाइन है, अगर ये इस पे जाके भी रिवर्सल साइन देता है नीचे जाने का तब आप इसमें क्या है कि सेल साइड आ सकते हो। तो ये थे हमारे रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो 31,450 था, दूसरा रेजिस्टेंस था वो 31,570 का लेवल था। और इसके अलावा मेरे को और एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो जो ये हमारी फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, अगर ये थोड़ा अप मूव देके इस पे भी रिवर्सल दिखा के नीचे जाने का साइन आपको कोई देता है तो आप इस लाइन पे भी रेजिस्टेंस मान के इसको नीचे साइड लेके जा सकते हो। तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में। पहले हम सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला सपोर्ट था 31,250 का था, बाद में हम दूसरे सपोर्ट की बात करें तो 31,060 का लेवल था वो हमारा दूसरा सपोर्ट था, ये हो गए सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था वो 31,450 का था, बाद में दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 31,570 का लेवल है वो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस था। तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक
कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें क्या है कि स्ट्रेटेजी ऐड करने वाले और बाद में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ जाना है, कुछ लर्निंग करना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।